नमस्कार दोस्तों, माय सिंपल टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और ये रंग बिरंगे फ्लावर्स बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम हिबिस्कस के एक ही प्लांट पर अलग अलग रंगों के फ्लावर कैसे पाएँ, या यूँ कहें तो हिबिस्कस प्लांट पर ग्राफ्टिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट पर ग्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान है। मैंने अपने हिबिस्कस प्लांट पर कई ग्राफ्टिंग की हुई है और उसका रिजल्ट मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे ग्राफ्टिंग का रिजल्ट देखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी न्यू गार्डनर हैं तो चलिए मेरे साथ ग्राफ्टिंग करना सीखिए। फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग करने के लिए मैंने यह क्रीम कलर वाला हिबिस्कस प्लांट लिया है क्योंकि इसके ब्रांच सीधे सीधे और लंबे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके एक ब्रांच को मैं नीचे की ओर से काट लेती हूँ और मैं यहाँ दूसरी ब्रांच भी काट रही हूँ क्योंकि मैं इसके दो ब्रांच पर ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। अब हमें इसी ब्रांच की मोटाई की साइज़ में दूसरे प्लांट की ब्रांच चाहिए जिसकी हमें ग्राफ्टिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग के लिए हम इस प्लांट से ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। और ये देखिए, मैंने ये ब्रांच सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं दूसरी ग्राफ्टिंग के लिए इस वाइट हिबिस्कस के प्लांट से यह ब्रांच ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ अलग अलग कलर की दो ब्रांच ले ली है और अब इसे छोटे छोटे साइज में काट लेंगे और फिर उसमें से पूरी पत्तियाँ हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दो ब्रांच ले लिए हैं। अब आगे के प्रोसेस के लिए हम सार्प चाकू की मदद से जिस ब्रांच पर ग्राफ्टिंग करनी है उसे बीच से सावधानी पूर्वक धीरे धीरे चीरा लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यह काम कैसे धीरे धीरे सावधानीपूर्वक कर रही हूँ। अब मैं यहाँ दूसरी ब्रांच पर भी चीरा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे दो ब्रांच पर ग्राफ्टिंग करनी है। अब ग्राफ्टिंग के लिए जो ब्रांच हमने लिया है उसके निचले हिस्से को इस तरह चाकू की मदद से छील लेंगे और जिस प्रकार हम पेंसिल को छीलते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें इसे छीलना है। और अब इस चीरा लगे हुए ब्रांच पर ग्राफ्टिंग के लिए जो ब्रांच हमने तैयार किया है उसे अच्छी तरह से फिट कर देंगे और फिर किसी भी पॉलीथीन से इसे अच्छी तरह से खींच खींच कर बांध देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ दूसरी ग्राफ्टिंग को भी बांध रही हूँ। अब यहाँ दोनों ग्राफ्टिंग पास ही है इसीलिए एक पॉलीथीन से दोनों को मैं कवर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तेज़ धूप और बारिश के पानी से बचाने के लिए ही इसे हम कवर करते हैं और कवर कर देने से इसमें मॉइस्चर बना रहता है। फ्रेंड्स, इसी प्लांट की एक ब्रांच पर मैंने एक महीने पहले ग्राफ्टिंग की थी और पिछले एक महीने में हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ रही थी, फिर भी देखिए इसमें पॉलीथीन में कैसे मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं एक महीने का रिजल्ट दिखा देती हूँ। और ये देखिए एक महीने का रिजल्ट, इसमें एक नई छोटी सी ब्रांच दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ ही और भी ग्राफ्टिंग की थी तो चलिए उसे भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मेरा रेड वाला हिबिस्कस प्लांट है और ये देखिए फ्रेंड्स, यह ग्राफ्टिंग भी इसमें सक्सेस हो चुकी है। और इसी प्लांट पर ये देखिए दूसरी ग्राफ्टिंग और यह भी सक्सेस हो गई है। फ्रेंड्स, यह देखिए यह रेड कलर वाला हिबिस्कस प्लांट और इसमें भी मैंने कई ग्राफ्टिंग की हुई है। और यह देखिए, यह एक महीने की ग्राफ्टिंग है पर इसमें नए शूट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे किए हुए सभी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो यह ज़रूरी नहीं है। और यह देखिए, यहीं पर यह वाइट पॉलीथीन से बंधा हुआ ग्राफ्टेड प्लांट, इसे ग्राफ्टिंग किए हुए 3 महीने हो चुके हैं और अभी इसमें बर्ड्स भी आ चुके हैं। यह मल्टीपेटल वाला रेड फ्लावर है। फ्रेंड्स, यह देखिए इसी प्लांट पर यह दूसरी ग्राफ्टिंग और इसे ग्राफ्टिंग किए हुए 1 वर्ष हो चुके हैं और यह ग्राफ्टिंग प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है। फ्रेंड्स, यह देखिए, यह एक ही प्लांट है और इसमें 2 ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी है। और आप भी ग्राफ्टिंग को तेज़ गर्मी और सर्दी को छोड़कर किसी भी सीजन में कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको भी इसी तरह एक ही प्लांट पर अलग अलग रंगों के फ्लावर चाहिए तो इस आसान तरीके से क्राफ्टिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।